तो देखो धूप आज बहुत प्यारी आ रखी, बहुत ज़्यादा खिल रही है धूप, और धूप सेक रही है हवा यहाँ पे अपनी डेली वाली जगह पे, और मम्मी नीचे भर रही है पानी, देख सकते हो अभी जस्ट खुल रखा है पानी, अभी तक इस वाली लाइन का खुला था। और मेरा सुबह से चल रहा है यहाँ पे काम थोड़ा सा, आज होली की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो ये यानी अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ इस पटालों में, इन पटालों में। सोच रहे होंगे ये होली की तैयारी थोड़ी कर रहा है, ये तो झाड़ू लगा रहा है, तो ऐसा नहीं है, मैं भी आप लोगों को धीरे धीरे आगे वीडियो में बताता रहूँगा तो होली की तैयारी कैसे होती है। तो मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, जो इसमें आप लोगों को घास दिख रही होगी, ये छोटी छोटी घासें है, ये काफ़ी घासें उग रखी है इसमें पूरे पटालों में, तो ये घासें उपाड़ी जा रही है, और इसके बाद हम लोग इसे पूरा जहाँ से मम्मी खड़ी है वहाँ वहाँ से यहाँ तक लेपेंगे इसे। तो अभी आप लोग देखते रहना कैसे लिपाई होती है, कौन सी मिट्टी से होती है, कैसे होती है, सब दिखाऊंगा मैं आप लोग, बस आप लोग मेरे साथ यहीं बने रहो। और इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द माई यूट्यूब चैनल फील उत्तराखंड ब्लॉग। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, और मैं भी व्यस्त हूँ आज घास उपाड़ने में बहुत ज़्यादा। सुबह से ही लग रखा हूँ, सुबह थोड़ा बहुत पानी आया था ऊपर पनार नदी का, तो मैंने खेतों में डाला था, पापा ने भी डाला था, पापा चले गए शॉप में, और अभी धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई है। और अब ऐसा है क्योंकि होली आने वाली है, कल से रंग पटा देंगे, परसों से शायद है होली, सॉरी मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे मैंने भी सुना था कि 2 तारीख से रंग पटाते हैं, 2 तारीख से नहीं पटाते, 3 तारीख से पटाएंगे, 4 तारीख से शायद होली खेलेंगे, तो अभी वो भी कंफर्म नहीं है मुझे। तो अभी बस मैं ये काम कर रहा था, और अभी मैंने नाश्ता नहीं करा, अमानी भी नहीं करा, किसी ने नाश्ता नहीं करा, पापा करके चले गए हैं शॉप में। और अब सबसे पहले मैं ये घास उपाड़ लेता हूँ, जो छोटी छोटी घासें हैं ये उपाड़ लेता हूँ, और इसका उपाड़ने का मेन रीज़न है ये आज छोटी सी घास है, धीरे 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 ये बड़ी होगी, तो पत्थरों के जो पटाले हैं पटालों के नीचे जड़ें दे देगी ये, तो वो बेकार होगा यार, पूरी घास ही घास हो जाएगी जगह जगह पे। पहले हमारी ये पूरी पटालों में यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे वो है धूप है, तो ये पहले पूरे में धूप था, हम लोगों ने खोद खाद के इतने में पटाले बिछाई थी, और अब इधर कोई पटाले बिछानी रह गई है। और अभी भी देखो धूप, यहाँ पे धूप जो एक घास होती है, ये धूप होती है, धूप बोला जाता है हमारे पहाड़ों में, ये घास अभी भी इस खाओ में हो रखी है, इसमें भी हम हो सके तो पटाले बिछाएंगे आने वाले वक्त में। और अभी पहले एक काम फिनिश कर लेते हैं, धूप भी आ रही है, बढ़ रही है धूप, फिर इसके बाद लिपाई करेंगे। तो ये घासें मैं जल्दी जल्दी उपाड़ लेता हूँ, जितनी भी उधर की मैंने उपाड़ दी है, 2-4 नीचे की है, 2-4 यहाँ की है, उपाड़ लेते हैं। मम्मी बटोर रही है पाइप और अम्मा बैठी है वहाँ पे। नाश्ता बन के रेडी है, मम्मी ने कर लिया है, ये दही है, ये हरी सब्जी घर की, और ये गेहूं की रोटी है आज, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ नाश्ता। तो नाश्ता भी कर लिया है मैंने, और जल्दी से मैं एक चीज़ भूल गया, मैं बकरियों के लिए मैंने एक रोटी रखी थी, तो ये बकरियों को देनी है, एक रोटी मैंने खाई, एक रोटी मैं बकरियों को दे देता हूँ। प्लान थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मम्मी बोल लिया है पहले भैंस वैंस बांध देते हैं, उसके बाद हम भिक्कल काटने जाएंगे, और फिर उसके बाद लिपेंगे हम दिन में, तो यही ठीक है, क्योंकि शाम को यार वो तूफान चल जा रहा है, बयाव पड़ जाना, तो काटने में थोड़ी सी दिक्कत है। और मम्मी भैंस वैंस बांधने लगी, अब बकरियाँ भी बांधते हैं, बैल भी बांधते हैं, अब फिर उसके बाद चलते हैं खेत में, तो वहाँ से हम लोग भीकल काट के लेके आएंगे, फिर उसके बाद पटाले लिपेंगे, और मैं दिखाऊंगा लिपाई कैसे होती है और उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या मिलता है, तो वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये रोटियां खिला देते हैं बकरी को। चले ले चिची, रोटी खाओ। अभी उधारी है आंसी, तो धार ऐसी लगाई जाती है हमारे पहाड़ों में, ये पत्थर है, ढूंढ क्या कहूँ मम्मी,
ये गाड़ है ढूंढनेल, तो इसी में उधाया जाता है और धार आ जाती है आंसी में। पट में ही डर नहीं आ रही, चेचे चेचे नहीं डर रही तू अभी है चेचे। घुड़ेली लगा दी है और मैंने अभी तक इस पेड़ का काटा था, यानी इसके पीछे वाले पेड़ का काटा था, मम्मी ने घुड़ेली लगा दी है। अब चलते हैं घर को। तो ये देखो, ये है मुसैल का, मुसैल माट को नहीं है, ये यानी चूहे ने खोद रखा है, ऊपर कहीं से खोदा हुआ है, नीचे तक आ रखा ढेर, इसे हम लेके जा रहे हैं। अभी बताऊँगा किस लिए लेके जा रहे हैं। मुसैल की मिट्टी हम इस वजह से लेके आए थे, ये देखो इसमें हमने गोबर भी मिक्स कर दिया है और मिट्टी भी, और इसे हमने छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से हम मुसैल की मिट्टी लेकर आए हैं, यानी चूहे की निकाली हुई मिट्टी लेकर आए। तो ये काफ़ी बारीक रहती है, पत्थर भी कम रहते हैं। अब इसे हम मेल्ट कर देंगे पूरे दोनों को, और इसमें एक लाल वाली मिट्टी भी डालेंगे अभी, जिससे खाओ में थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो लाल वाली मिट्टी भी दिखाता हूँ मैं अभी। तो देखो ये है लाल वाली मिट्टी, ये होती है लाल मिट्टी, तो इससे खाओ में थोड़ा सा रंग आ जाएगा। और ये वैसे अंदर लीपने के में यूज होती है, अब इतना पटाल लीपने के लिए कहाँ से आती है ये मिट्टी। और ये मिट्टी बहुत नीचे से लेकर आते हैं हम लोग, कभी मैं बताऊंगा कहाँ से लेकर आते हैं ये मिट्टी। तो देखो ये मम्मी मेल्ट करने में लगी है इसे, तो सारा मिक्स कचर पचर कर देती है मम्मी, उसके बाद फिर लीपेंगे हम पटालों को। और पता है गोबर जो बाहर की लेडीजें होती हैं, बाहर के कोई भी होता है, अदर पर्सन भी होता है, तो वो लोग इस चीज़ से वो करते घिनाते बोलते हैं बदबू आ रही है, बट मैं ये तो मानता हूँ कि ये एकदम प्योर नेचुरल वाली खाद हुई, क्योंकि यार हम लोग घास ही तो खिला रहे हैं, भैंस को अपनी बैलों को घास खिलाते हैं, प्योर नेचुरल से मिली हुई घास खिला रहे हैं, वही चीज़ वो निकालते हैं। और इंसान देख ही सकते हो आप लोग, वो अचर कचर पचर सभी चीज़ खाता है, तो वो चीज़ बेकार लगती है, स्मेल भी आती है, तो भैंस का एकदम नेचुरल होता है, तो उसमें बाहर के लोग समझते हैं कि इसमें से वो आ रही है, स्मेल आ रही है, गंदी वाली स्मेल आ रही है, तो ऐसा नहीं होता है, बस हर किसी में अलग अलग स्मेल होती है, हम लोग नहीं घिनाते हैं इन चीज़ों से ना। तो अभी देखना मैं अभी इसे पूरा लीपूंगा, अभी मम्मी से मेल्ट कर रही है, मेल्ट करने में थोड़ी सी जान लगती है और एक्सपीरियंस ये होता है मेल्ट करने में, तो मम्मी ने मेल्ट कर दिया, अब इसे वो कोने तक लीपेंगे जल्दी जल्दी। और हमारे लिए बहरौल हमका बता उल्लिप उल्लिप दबैलक आ कहाँ से। फाइनली दिन के 2 बज चुके हैं और ये पूरा पटाल लीपा गया है, हमने इस साइड का छोड़ रखा है, इस साइड का बाद में लीपेंगे। और अब एक तो भूख भी लग चुकी है और अब मैं नहाता हूँ, और अम्मा को भी टाइम पर खाना खिलाना होता है, तो जल्दी से मैं नहा लेता हूँ और फिर उसके बाद मिलूँगा मैं आप लोगों को। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने इतनी मेहनत क्यों करी इसमें, बात ऐसी है क्योंकि एक तो होली आने वाली है, तो काफ़ी होली पहाड़ों में खाओ में ही खेली जाती है, एक रीजन ये है, और दूसरा ये है कि इसमें से धूल वूल मट्टी वट्टी उड़ रही थी, तो लीपा गया तो वो बैठ जाएगी मट्टी, और जो गड्ढे थे वो भी भर गए हैं। और एक ये है कि ये खाओ अच्छा लगने लगा है अब लीपने के बाद,
और आप लोग सोच रहे होंगे खाली लिपा, इससे अच्छा आप लोग ये पाथर बिछाने से अच्छा सीमेंटेड करवा देते। और सीमेंटेड में भी काफ़ी वो होता है, नुकसान होता है, जब चौमास में हमारे पहाड़ों में बरसात होती है तो इसमें काई जम जाएगी, तो हम लोग स्लीप हो सकते हैं। इन पाथरों पर काई नहीं जमती है, ये चीज़ है, और इन पर चुटाई हम लोग आराम से कर सकते हैं, ये चीज़ है। काफ़ी रीज़न होते हैं यार किसी चीज़ को करने के लिए। और सबसे मेन बात यह है कि अगर ये पटाले हमारे गाँव में नहीं रहेगी, यानी खाव में पटाले नहीं रहेगी, तो गाँव जैसी फीलिंग नहीं आएगी। ये चीज़ है जो हमारे जो पूर्वज करके गए हैं उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, तो वही चीज़ अच्छी लगती है यार जो हमारे पूर्वज करके गए हैं। तो बात ये थी, इस वजह से हम लोगों ने लिपा है आज। तो अभी हम जल्दी से खाना खाते हैं, और सबसे पहले मैं नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगा। बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे तो, और इसे लिपते लिपते थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, कमर में दर्द हो गई है, देख ही सकते हो आप, काफ़ी मेहनत का काम था ये, बट अब बहुत अच्छा लग रहा है ये मुझे लिपा हुआ। तो ऐसी थी कुछ पटालों की भी स्टोरी, तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो खाना बनके रेडी है, और यह है घर की घी, चावल, दाल है मिक्स, और यह है हरी सब्जी, और मैं नहा धो के भी रेडी हो चुका हूँ। अब खाना खाते हैं, अम्मा भी खा रही है यहाँ पे, और मैं भी खाता हूँ, और पापा तो निमंत्रण गए थे, तो निमंत्रण में खा के आ गए हैं पापा। जी हाँ, अमनेत खानू हम इला नामा। तो पापा निमंत्रण में खा के आ गए थे, और अभी शॉप में चले गए हैं, तो अब हम भी जल्दी से लंच कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, एक मिनट का ब्रेक। तो खाना भी ना हो गया है, और मम्मी अभी खा रही है, माँ ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया है, अभी मम्मी डाल देगी यार, मैं जा रहा हूँ अंदर अब। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ भाई, बहुत थक गया हूँ, और मैं आप लोगों से मिलूंगा शाम को, और ये वीडियो भी एडिट करते हैं, दूसरी वीडियो भी एडिट करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो यूट्यूब फैमिली, शाम का समय हो चुका है अभी, और मम्मी धो रही है हाथ पैर, हाँ मली हो खाने की का नाचा हुआ तुम घाम था नाचा घाम था ही नाव, और मम्मी ने अभी ये बीच बीच में लिप दिया है, तो इसमें दरारें भी कम होगी, तो ये अच्छा है। और अब खाओ पूरा अच्छा लग रहा है, अब होली की पूरी तैयारी होगी, क्योंकि होली इसी खाओ में आएगी, तो मैं आप लोगों को होली की वीडियो भी दिखाऊंगा भाई, इतना मज़ा आने वाला है ना, आप लोग खुश हो जाओगे यार, काफ़ी तगड़ी वीडियो आने वाली है अब दो चार दिन में। तो एक वीडियो मेरी अपलोडिंग में लगा रखी है, और घर में बहुत स्लो नेट चलता है, तो मैं थोड़ा सा वो हाँ धन्नगुड़ी धार तक जाऊंगा हो सके तो, नहीं तो नीचे रोड में चलते हैं, वहाँ नेट की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वहाँ पे चलते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, आज शाम 7 बजे तक अपलोड करनी है, तो नीचे चलते हैं, थोड़ा बहुत काम भी है, और आगे को जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। तो देखो शाम का, यानी अभी रात के 9 बज रहे हैं, रात के 9 बजे का मौसम देखो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इसी साइड को उजाला हो रखा है।